Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके पूरे साल का टेरोस्कोप लेकर के. जी हाँ, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कौन से नए रंग जो है 2024 में आपके जो है हमें देखने को मिलेंगे, वैसा कुछ मैं आपको बताऊंगी. हम बात करेंगे हमारी दूसरी राशि जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि. आपका 2024 कैसा जाने वाला है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्पेसिफिकली नॉट अबाउट टॉरस लेकिन 2024 की एनर्जीज के बारे में. 2024 जो है 8 नंबर का साल. कैसे 8 नंबर का साल, आपको 2024 को जो है जोड़ लेना, उसका टोटल कीजिए. 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 = 8. तो 8 जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है सैटर्न प्लैनेट. जी हाँ, शनि देव. तो कौन आ रहा है 2024 में, शनि देव आ रहे हैं. और शनि देव अगर जब आपके घर आएंगे तो क्या करेंगे टॉरस आपके साथ में, नॉट ओनली आपके साथ में, एक्चुअली सबके साथ में क्या कुछ होगा. तो ये है कि अगर आपने किए हैं अच्छे कर्म तो शनि भगवान आपको इतना दे करके जाएंगे कि दोनों हाथों से समेटोगे ना तब भी समेट नहीं पाओगे. वहीं पर अगर आपके कर्मों में है खोट तो 2024 में लगेगी बहुत बड़ी चोट, है ना ये बात. तो अब आप ये देख लो कि आपके कर्मों का जो हिसाब है, खुद ही कॉपी पेन लेकर के आज बैठ जाओ और खुद ही टिकमा करके देख लो कि अच्छा किया हुआ है कि बुरा किया हुआ है. अच्छा किया हुआ है तो बहुत कुछ मिलेगा 2024 में आपको. देखते ही देखते कितनी प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, नाम हो जाएगा. पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो वैसी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है. वहीं पर अगर आपने अपने कर्मों में ही की थी छेड़छाड़, तो मैंने बताया ना इस बार शनि भगवान बख्शेंगे नहीं आपको, तो आप अब थोड़ी सी तैयार भी हो जाइए. लेकिन वृषभ, अब हम ये देखते हैं कि फाइनली 2024 की एनर्जी, शनिदेव की एनर्जीज आपके लिए क्या कुछ लेके आई हैं. तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है एज पर द टैरो वो रहने वाली है द सन की एनर्जी, यानी कि सन का कार्ड आया है. जॉय, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ, इस साल आप जो चाहोगे वैसा ही कुछ मिल जाएगा. और इस कार्ड की एनर्जी को देखते हुए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि टॉरस ने किए हैं बहुत ही अच्छे कर्म और फाइनली 2024 में आपके उन अच्छे कर्मों का फल मिलने का वक्त जो है आपके लिए आ गया है. आपके लिए ओवरऑल जो गाइडेंस मैसेज रहने वाले हैं वो है ब्लेस चेंज अपॉर्चुनिटी वर्थ वेटिंग फॉर डोर टू रोमांस. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, जो बहुत एक लाउड एंड क्लियर मैसेज अभी तक आ रहा है 2024 में, आपका प्यार आपको मिल जाएगा. अगर किसी का बहुत टाइम से इंतजार था तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और उसके साथ मुझे आप सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो. बात करेंगे मंथ टू मंथ जाकर के, है ना, कि जनवरी का महीने से लेकर के दिसंबर का महीना आपके लिए कैसे रहेगा वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी. बस सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनवरी मंथ से. तो जनवरी का जो मंथ है वो कैसा रहने वाला है, कार्ड आपके लिए आया है 6 of Cups. बहुत सारी मीटिंग्स करने वाले हैं आप जनवरी के महीने में. इट कैन बी बिजनेस मीटिंग ऑल्सो एंड इट विल बी द पर्सनल मीटिंग्स ऑल्सो. ठीक है, आप अपने स्कूल के पुराने दोस्तों से मिलते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो. कोई पुराना एक्स लवर जो है आपकी लाइफ में वापस आ सकता है जनवरी के महीने के अंदर. यहाँ पर आप मुझे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन में भी जाते दिखाई दे रहे हो जहाँ पर यू आर गिफ्टिंग समबडी अ फ्लावर ऑफ यू नो बुके. आप मुझे यहाँ पर गिफ्टिंग भी करते हुए भी दिखाई दे रहे हो. ओवरऑल कुल मिलाकर के जनवरी का महीना बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. मेल जोल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, मैं बोल सकती हूँ नेटवर्किंग का महीना रहेगा आपके लिए जनवरी का महीना. फरवरी की बात करें तो फरवरी में होंगी बहुत सारी नई शुरुआत. जी हाँ, काम को लेकर के भी कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है. प्यार के मामले में मुझे बहुत ही पैशनेट महीना दिखाई देता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करने वाले हो. बहुत सारा इंटीमेसी लेवल जो है वो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. अगर आप लोग होता है ना कि किसान है या भूमि से अगर आपका ज़मीन से कोई लेना देना है तो मुझे वहाँ पर भी लगता है कि कोई ना कोई एक नई क्रॉप आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. कोई एक नई शुरुआत ज़मीन को लेकर के भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है. कुछ केसेस में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ही आ रहा है कि आप अगर जॉब चेंज के लिए बात कर रहे थे तो फरवरी के महीने में आपको नई जॉब भी ऑफर हो सकती है. नया बिजनेस तो आप 100% स्टार्ट कर ही सकते हैं. अगर किसी के बेबी की डिलीवरी इस महीने में बढ़ती है तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत लाउड एंड क्लियर मुझे थोड़ा सा आ रहा है कि बेटे के होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं. आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके मार्च के महीने की. मार्च के महीने में लव प्रपोजल्स तो भर भर के आएंगे, जॉब के ऑफर्स भी आते दिखाई दे रहे हैं. आप
ट्रैवल कर सकते हैं मार्च के महीने में, ऐसा कुछ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। और दूसरा मुझे लगता है किसी के साथ अगर आपके पास में कोई लड़ाई हो गई थी तो फाइनली आपको लग रहा है कि काम को लेकर के ही सही, लेकिन इनके साथ सुलह कर लेने में ही आपकी भलाई है। तो फाइनली जो है आप एक फॉरगिवनेस भी ऑफर यहाँ पे कर रहे हो और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो। अगर हम बात करें कि आप जो है, हो सकता है आपका जो पार्टनर है या फिर लव पार्टनर जो है वो किसी डिस्टेंस में आपसे रहता है थोड़ा सा, तो वहां पर आप मुझे उससे मिलने जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो मार्च के महीने में। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का महीना रहेगा बहुत ही सुपर डुपर हैप्पी, सुपर पॉजिटिव। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग मुझे गृह प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, एंगेजमेंट का फंक्शन दिखाई दे रहा है, फैमिली गेट टुगेदर हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ काम की तो काम के मामले में भी जैसे बोलते हैं ना कि झंडे गाड़ देंगे आप, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है अप्रैल के महीने में। सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस हर जगह यहाँ पर दिखाई देती है। दो लोग यहाँ पर मुझे कमिटमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, शादी के बंधन में आप बन सकते हैं अप्रैल के महीने के अंदर। तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज जो है मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले महीने की जो है मई मंथ। मई मंथ के अंदर आपका कार्ड आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मई का महीना आपको थोड़ा सा इंतजार करवा सकता है। किस चीज़ का इंतजार करवा सकता है? बहुत सारी चीज़ों का एक्चुअली। यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी और आप किसी से कोई पेमेंट एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो वो ना तो इन्वेस्टमेंट का मनी इस महीने आएगा, ना ही पेमेंट्स की जो है यहाँ पे पेमेंट्स आपके पास में आ रही है। तो वेटिंग बहुत बड़ी हुई है, तो काफ़ी सारे डिलेज, काफ़ी सारा इंतजार जो है आपको इस महीने यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, तो आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिस तो किया, वो आपको डिनर पे लेके जाएंगे, आपको घुमाने लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, वो आपको कहीं भी लेके नहीं जा रहे हैं और आप बहुत सैड हैं इस बात से एंड वेट कर रहे हैं अभी भी कि वो आएं और आपको कहीं पर भी लेकर के जाएं। अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस महीने को 100% आपने अवॉइड करना है, क्योंकि पहले की इन्वेस्टमेंट ही स्टक है। तो नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये महीना मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। बात करते हैं जून के महीने की। जून का महीना भी आपका सुपर पॉजिटिव है, फूल का कार्ड आया है। रिस्क, अगर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में फीलिंग आ रही है कि यार बहुत रिस्क है और डर लग रहा है, तो 100% उस चीज़ को कर देना इस महीने के अंदर, है ना। वहाँ पे सोचना ही मत, जैसे ही लगेगा ना कि अरे डर लग रहा है, पता नहीं थ्रू होंगे नहीं होंगे, फ़ायदा होगा नहीं होगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मैं बोल रही हूँ इतना फ़ायदा होगा ना इसको लेकर के आपने, तो जितना ज़्यादा डर है समझ लेना उतना बड़ा फ़ायदा है। बहुत सुपर पॉजिटिव कार्ड है, गो फॉर इट। बच्चों के साथ भी काम, आप मुझे यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं। आप किसी ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको यू रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, कि मैं अकेले अपने साथ अगर समय बिताना चाहता हूँ तो आप किसी जगह पर ट्रैवल भी कर सकते हो जहाँ पर सिर्फ आप और आपकी तन्हाई, अक्सर आपसे ही बातें करते हुए मिलेंगे। जी हाँ, जून के महीने का जो ये टाइम है ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो बातचीत आप अपने साथ करने वाले हो इसका आउटकम बहुत ही सॉलिड आने वाला है, बहुत स्ट्रांग आने वाला है। साथ में आपके साथ में वो विजडम भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप बेवकूफों की तरह काम नहीं करोगे, बहुत सोच समझ के काम करते हो मुझे जून के महीने में नजर आ रहे हो। तो जून का महीना भी आपके लिए सुपर लकी एंड सुपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जुलाई के महीने की। तो जुलाई का महीना बहुत बैलेंस रहने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, किसी तरीके का कोई केस आप पे है, तो वो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि इस महीने आप केस जीत जाएंगे, लेकिन इस महीने में अगर कोई भी डेट आपकी पड़ रही है तो उस डेट की सुनवाई 100% आपके फेवर में जाएगी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है इस महीने आपको साइन करने पड़ सकते हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं आप। यानी कि वकीलों के चक्कर जो है जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, बट ओवरऑल चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। बैलेंस की रिक्वायरमेंट यहां पे थी, वो मुझे नजर आ रही है। बात करें महीने की अगस्त, तो अगस्त का महीना कैसा रहेगा? अगस्त का महीना है थोड़ी सी मेहनत करने वाला, आप काम में लगे हुए हैं और अगर आप काम में लगे रहेंगे तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। तो अगस्त का महीना आपसे काफ़ी सारी मेहनत करवाएगा, काम को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। आप बहुत अच्छे पैसे भी इस महीने में जो है अर्न करेंगे, बहुत अच्छा मनी फ्लो भी रहने वाला है जितनी मेहनत करेंगे। आप बोलते ना कि आपकी मेहनत यानी कि आपके श्रम का जो पैसा है वो आपको इस महीने ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। कोई नई चीज़ अगर सीखना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए भी महीना अच्छा रहने वाला है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले महीने की जो है सितंबर। सितंबर में कार्ड आया नाइट ऑफ सोर्ड्स का, तो बहुत ही इंस्टेंट ट्रैवल आपके बन सकते हैं एकदम से, है ना। बोलते कि अभी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अचानक हुआ कि निकलना पड़ेगा, चलो चलो मुंबई चलो। तो इस तरीके की प्लानिंग्स जो यहाँ पे ट्रैवल, इंस्टेंट ट्रैवल सितंबर के महीने में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की तबीयत ऑलरेडी थोड़ी बहुत खराब है या आप इस महीने हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे इन रियल आपकी चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर यू नो हॉस्पिटल, सर्जरी, डॉक्टर्स ये सब दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। तो सितंबर का महीना काफी ख्याल रखने वाला
है। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर के केट्स में भी एक छोटी सी बैड न्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आई सी सम काइंड ऑफ यू नो फॉर नॉट फॉर एवरीबडी ऑफ कोर्स, बट मुझे यहाँ पे अबॉर्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप हो सकता है कि आपने बहुत रीसेंट टाइमिंग में ही कंसीव किया हो पर बेबी जो है ठहर नहीं रहा है और उसकी वजह से लेडीज़ को खास करके प्रॉब्लम हो सकती है। मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, पी सी ओ डी का इशूज़ भी यहाँ पर दिखाई देता है, सर्जरी दोबारा से यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये महीना भी आपके लिए काफ़ी संभल के रहने वाला है। बाकी ये मुझे बोलता है, मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो तो क्लियर कम्युनिकेशन इज द की फॉर दिस मंथ। यानी कि जिससे जो चाहिए, जो बात करनी है, उसको उतने अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर जो है उसको डिलीवर करो, उससे बात करो। तो जितना साफ सुथरे तरीके से बात करोगे उतने अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। बात करते हैं नवंबर के महीने की। नवंबर के महीने में आप प्लान कर रहे हो कि मुझे अब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अब मैं अपने बिजनेस को ओवरसीज लेकर के जाना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके की प्लानिंग हो रही है, स्ट्रेटजी बना रहे हो कि जिस भी लेवल का आपका काम है उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, और अगर ठीक ठाक भी है तो आप उसको वर्ल्ड वाइड जो है कैसे लेकर के जाओगे, उस बारे में बहुत गहन सोच जो है मुझे नवंबर के महीने में चलती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवल 100% आपके लिए वहाँ पे दिखाई देता है। फैमिली के साथ में मूवी देखने जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, वैसा टाइमिंग भी आपको नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। बात करते हैं दिसंबर के महीने की। तो दिसंबर के महीने में आप काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, बहुत सारे मूड स्विंग्स, दूसरे की बातों में आकर के घर में लड़ाई कर लेना, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो तीसरा आदमी जब जब रिश्तों के बीच में आ जाता है ना, अक्सर काम खराब ही हो रहा होता है। तो अगर आपकी और आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेकर के नहीं भी बन रही है तो आप दोनों खुद बैठ के सुलझाओ, तीसरे को इन्वॉल्व मत करो। यहाँ पर तीसरे को इन्वॉल्व करोगे तो चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाएंगी, राइट। अगर मैं सम अप करके बताने की एक बार आपको ये कोशिश करूं कि कौन सा महीना रहेगा सुपर पॉजिटिव और कौन से महीने में आपको रखना है एक्स्ट्रा ख्याल, तो हम बात करेंगे आपके फरवरी मंथ, मार्च एंड अप्रैल एंड जून, ये हैं सुपर डुपर पॉजिटिव महीने आपके लिए। जिन महीनों में आपको रखना है खास ख्याल वो है जुलाई, सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। ये तीन महीने काफ़ी क्रूशियल हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। कलर एक थीम में अगर आपको बताना चाहूँ कि इस साल की जो थीम है बेस्ट कलर आपके लिए क्या रह सकता है, तो शुभ रंग जो है वो आपके लिए रहेगा येलो। तो आप जितना हो सके येलो का जो यूज़ है वो अपनी लाइफ के अंदर करें, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी किसकी है, द सन की है। तो सक्सेस, फेम, सब कुछ इस महीने, इस साल में जो है आपको देखने को मिलेगा। गाइडेंस में भी देखो आपके लिए कार्ड आया है ब्लेस्ड चेंज का, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। यानी कि इस साल आपको काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे जो खाली सिर्फ कहने को चेंज नहीं है, वो भगवान की तरफ से भेजी हुई ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यानी कि इस साल काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट मुझे लगता है देखने को मिलेगी, लाइफ एक अच्छे ट्रैक पे जाने शुरू हो रही है, सक्सेस आपको यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है। अगला कार्ड है अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी कि 2024 में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जिससे आपकी किस्मत बदल सकती है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ ही क्या लेकर के आएंगी, ब्लेस्ड चेंज लेकर के आएंगी। बात करें आपके लव लाइफ की, तो कार्ड आ रखा है वर्थ वेटिंग फॉर। अगला हमारा मैसेज है डोर टू रोमांस का। अगर आप शिद्दत से किसी को बहुत टाइम से प्यार कर रहे हो लेकिन वो आपकी लाइफ में अभी तक आए नहीं थे, है ना, तो फाइनली 2024 आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि आ गया है वो समय, आ गया है वो डिवाइन टाइम जब जो जिससे आप प्यार करते थे वो आपकी लाइफ में एंट्री ले लेंगे। और यूनिवर्स ही बोल रही है कि देखो इनके लिए जो आपने इतना इंतज़ार किया है ना, ये वर्दी भी है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू। ये आपको बहुत खुश रखेंगे। अगला कार्ड भी है डोर टू रोमांस का, तो जो लोग सिंगल हैं, किसी का इंतज़ार नहीं भी कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी प्यार की नई एंट्री इस साल होती हुई हमें नज़र आ रही है। एंजल अफर्मेशन मैसेज आपके लिए रहने वाला है आर्कएंजल माइकल का। व्हेन यू आर ब्लेस्ड विद दिस एंजल कार्ड, यू आर गाइडेड टू इन्वोक आर्कएंजल माइकल टू हेल्प प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू। इतना कुछ क्योंकि आपकी लाइफ में होने वाला है, तो हम चाहते हैं कई बार लाइफ में जब अच्छा होता है तब भी तो नज़र लगती है ना, तो यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अफर्मेशन जो आप यूज़ कर सकते हो वो है आई एम स्ट्रांग एंड प्रोटेक्टेड बाय द आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की एनर्जी को आप प्रोटेक्शन के लिए जो है इन्वोक कर सकते हो। रेस्ट एवरीथिंग, अगर मैं वन लाइन में बोलूँ, साल कैसा रहने वाला है, अमेजिंग रहने वाला है टॉरस आपके लिए। सो आई रियली विश यू लक एंड मेनी मेनी ब्लेसिंग्स एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।